नमस्ते बच्चों, मैं दयाशर शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर से क्लास टेंथ के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ रसायन का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, तो यहां पर इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि एक नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है। एक तरफ कार्बन और ऑक्सीजन है और बनने वाला पदार्थ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक नए गुण वाले पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण कार्बन और ऑक्सीजन के गुण से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का गुण और ये बनने वाले जो पदार्थ हैं, जिसे कि हम लोग उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं, इसके गुण से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए, तभी उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। यदि चावल और दाल मिलकर के खिचड़ी बनता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं कह सकते, क्योंकि खिचड़ी में जो खिचड़ी जो बन रहा है जिन चीजों से, चावल और दाल से, तो खिचड़ी में चावल और दाल दोनों के गुण मौजूद हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहा जा सकता। उसे हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं कि अब जो चावल और दाल है वो एक नए रूप में है, वो खिचड़ी के रूप में है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेकर के एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता हो जिसका गुण उस मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न हो, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक के नाम से जानते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो इसे हम कहेंगे अभिकारक। और कार्बन डाइऑक्साइड नया गुण वाला पदार्थ बन रहा है, इसे हम कहेंगे उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल के रूप में इसे जाना जाता है। तो यह हुआ रासायनिक अभिक्रिया। फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लें, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण उन मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए उदाहरण में और भी हम ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, इसे हम संतुलित कर देंगे। मैग्नीशियम के दो परमाणु हैं, तो यहां टू और यहां टू। संतुलित समीकरण के बारे में आगे पढ़ते हैं, इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ये देख लीजिए, इसे भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है और बनने वाला पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में जानते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, कहते हैं, क्योंकि इन दोनों पदार्थों के गुण से ये जो बनने वाला पदार्थ है उत्पाद, ये बिल्कुल अलग है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण उन मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में जानते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया हम इसे कहते हैं। और रासायनिक समीकरण लिखने की विधि के बारे में हम लोग सीख लें। तीर के दाईं ओर बनने वाला पदार्थ लिखते हैं और तीर के बाईं ओर रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम लोग लिखते हैं समीकरण के रूप में। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक और बनने वाला पदार्थ उत्पाद के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग इसे संतुलित करते हैं। संतुलित समीकरण क्या है, समीकरणों को संतुलित करना सीख लें। संतुलित समीकरण क्या है, जब अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं या परमाणुओं की संख्या
अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो उसे हम लोग संतुलित समीकरण के रूप में जानते हैं, कहते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित है। अभिकारक में जितने अणु या परमाणु हैं, जिन पदार्थों के उत्पाद में उन्हीं पदार्थों के अणुओं या परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उसे हम लोग संतुलित समीकरण के रूप में जानते हैं। तो हम लोग आइए हम लोग सीखते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, तो जैसे एक समीकरण लिख लीजिए Fe प्लस H2O, तीर का निशान, Fe3O4 प्लस H2। ये फेरस है, लोहा है, जल के साथ अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है और इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इन समीकरणों को हम लोग कैसे संतुलित करेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, फेरस का एक परमाणु इस तरफ, तीर के दाईं तरफ फेरस के तीन परमाणु हैं, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके तरफ तीन लगा दिए तो फेरस के तीन इधर हो गए, तीन परमाणु, इसके भी कुल, इसके भी तीन परमाणु हो गए, दोनों ओर बराबर। ऑक्सीजन इधर चार है और ऑक्सीजन इधर एक है, बराबर करने के लिए चार यहां लगा दिए तो ऑक्सीजन के चार परमाणु हो गए, लेकिन हाइड्रोजन का बिगड़ गया, चार दुना आठ हो गया, हाइड्रोजन इधर दो है तो इसे आठ करने के लिए यहां चार लगा देंगे तो हाइड्रोजन के भी आठ परमाणु हो गए। अब हम देखते हैं, बराबर करते हैं, फेरस तीन, हाइड्रोजन चार दुना आठ, हाइड्रोजन चार दुना आठ, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये संतुलित है। उसी तरह से देख लीजिए एक दूसरा समीकरण, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर के आप जानते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करता है, तो नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन का दो परमाणु है और इधर ये अमोनिया गैस का निर्माण करता है, तो नाइट्रोजन दो, इधर नाइट्रोजन एक ही है, दो लगा दिए तो नाइट्रोजन का दो हो गया, हाइड्रोजन दो तो हाइड्रोजन का तीन दुना छह है, छह करना होगा इस तरफ भी, छह करने के लिए दो ही है यहां तो तीन आगे लगा देंगे, तीन अणु हो गया तो हाइड्रोजन के तीन दुना छह परमाणु, हाइड्रोजन के छह परमाणु हो गए, नाइट्रोजन के दो परमाणु, नाइट्रोजन के दो परमाणु हो गए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित करना, अनुमान विधि के द्वारा संतुलित करना। और इस विधि में हम लोग करते क्या है, तीर के दाई ओर जो उत्पाद है और तीर के बाईं ओर जो अभिकारक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, उसके अणुओं या परमाणुओं की संख्या को तीर के बाद उत्पाद या प्रतिफल के अणुओं या परमाणुओं की संख्या के बराबर कर देते हैं और इस तरह से हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है। अब देख लीजिए रासायनिक समीकरणों से प्राप्त सूचनाएं, रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ें। जैसे एक समीकरण ले लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनता है, आप जानते हैं जल का निर्माण होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो इस रासायनिक समीकरण से हम लोग को कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। पहली सूचना यह प्राप्त होती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है। दूसरी सूचना यह प्राप्त होती है कि हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर जल के दो अणु का निर्माण करते हैं, या हाइड्रोजन के चार परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के जल के दो अणु का निर्माण करते हैं, तो ये सूचनाएं मिलती है। दूसरी जानकारी मिलती है कि जल का दो भाग, सॉरी हाइड्रोजन के दो भाग, ऑक्सीजन का एक भाग मिलकर के जल के दो भाग का निर्माण करते हैं। यदि हम इसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान एक होता है,
हाइड्रोजन के चार परमाणु भाग ले रहे हैं तो ये 4 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम होता है और 2 परमाणु है तो 16 दूना 32 ग्राम हो गया। और यहां फिर 32 चार 36 ग्राम, हाइड्रोजन के 4 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम दोनों मिलकर के जल 36 ग्राम जल का निर्माण करते हैं। तो ये हम लोग को रासायनिक समीकरण से सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। अब आगे है इस चैप्टर में अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले है हमारा प्रकार जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण उस मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन यानी दो मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करना, इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर तो यहां लिखा हुआ है एक समीकरण, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम संयोजन कह सकते हैं क्योंकि दो पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। संयोजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन का मतलब ही है जुड़ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जुड़ते हैं एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आज बस इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के अन्य प्रकारों के बारे में। गुड बाय।